हेलो फ्रेंड्स, इजी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स दाल फ्राई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है। बिना झंझट का ये दाल फ्राई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो रोज़ रोज़ एक जैसा दाल खाकर अगर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह से दाल फ्राई बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मैं इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चना का दाल डाला है और सेम कटोरी से मैंने एक कटोरी मूंग का दाल डाला है और एक कटोरी मैंने इसमें मसूर का दाल डाला है। सेम कटोरी से एक कटोरी मैंने इसमें उड़द का दाल डाला है, ये देखिए। अब सभी को मैं अच्छे से दो तीन पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे दो तीन पानी से धो लिया है, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देती हूँ ये फूल जाए। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं दाल को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें डालकर छोड़ देती हूँ। दाल अच्छे से फूल जाता है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में दाल है जो पककर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए दाल अच्छे से फूल गया है, तो इसे मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है, ये देखिए। तो इसमें मैं डालूँगी दो गिलास पानी। अब मैं इसमें डालूँगी एक छोटा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार मैं इसमें डालूँगी नमक। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक दोनों को डाल दिया है। गैस पर कुकर को रख दिया है, ढक्कन को लगा देती हूँ और दो सीटी आने तक मैं इसे पका लूँगी। तो यहाँ पर दो सीटी आ गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया और इसे साइड में रख दिया है। तब मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसमें मैंने खड़ा गर्म मसाला, दो मैंने सूखा लाल मिर्च डाला है और एक मैंने मीडियम साइज को प्याज को लंबे पीसेस में कट करके डाला है। एक मैंने मीडियम साइज को टमाटर को बारीक पीसेस में कट करके डाला है। यहाँ पर थोड़ा से करी पत्ते, दो मैंने हरा मिर्च को बीच से चीरा लगा कर डाला है और सभी को मिलाकर दो तीन मिनट भूंज लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया, उसे दरदरा कूट कर डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी सूखा मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, सभी को मिला देती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी भुंजा हुआ जीरा का पाउडर। अगर भुंजा हुआ जीरा पाउडर नहीं है तो इसकी जगह सिंपल जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे फ्रेंड्स फ्लेवर है जो बहुत ही अच्छा आता है दाल में। तो यहाँ पर दाल देखिए अच्छे से पक गया है, इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तब मैं डाल देती हूँ दाल को और कुकर में मैंने दो गिलास पानी डाला है और अच्छे से मिलाकर दाल के अंदर डाल दिया है। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और इसमें बढ़िया सा उबाल आने देती हूँ, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से उबाल भी आने लगा है। तो अब मैं डालूँगी इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो अब बिल्कुल ही दाल है जो रेडी हो गया है। तो गैस को मैं फ्रेंड्स बंद कर देती हूँ और ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, सभी को मिला देती हूँ। अब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक बार घर पर ज़रूर से इस तरह से दाल बना कर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अलग अलग दाल का एक साथ आपको प्रोटीन मिलेगा। बच्चों को भी ज़रूर से इस तरह से दाल बनाकर खिलाए, बच्चे कभी भी दाल खाने से मना नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा।
फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी तरह से नई रेसिपी के साथ फिर से मैं मिलूंगी। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।